सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। नील बोहर की थ्योरी, बोहर्स मॉडल में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन ऑर्बिट में भी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे होती है वो ऑर्बिटल डिफाइन करता है। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? द रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। एक न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी स्पेस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 90-95% है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कि जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो 3D रिप्रेजेंट, 3D मूवमेंट शो करता है इलेक्ट्रॉन की। जो ऑर्बिट में हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ एक प्लेन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, लेकिन ऑर्बिटल हमें 3D मूवमेंट रिप्रेजेंटेशन देता है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ऑर्बिटल हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। एस ऑर्बिटल होते हैं, पी, डी, एफ। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं ऑर्बिटल्स की। ओके, फर्दर एक जो ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट करता है। ठीक है, आपने ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज नहीं होना, उनका डिफरेंस अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, वो एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स असल में होते क्या हैं? क्वांटम नंबर्स आर जनरली द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, क्वांटम नंबर्स एक सेट है 4 नंबर्स का। ठीक है, उसमें अगर हम 4 टाइप्स का होता है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, सब्सिडरी, एंगुलर क्वांटम नंबर, इसमें कोई भी नाम आप ले सकते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे हम n से डिनोट करते हैं और वो हमें एनर्जी के बारे में बताता है। यूजली हम कह सकते हैं ये हमारे हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है कि दैट इज़ के इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है, l में प्रेजेंट है, कौन सी शेल में प्रेजेंट है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा। नेक्स्ट हमने किया एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये शेप के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा। ठीक है, सो जनरली क्वांटम नंबर्स क्या है? द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव ए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दैट इज इट्स एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड ऑल्सो इट्स स्पिन। ठीक है, सो अब हम 1 by 1 करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n। ये हमें बोहर ने दिया था, KLMN आप पढ़ चुके हैं बोहर मॉडल में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। ये हमें बताता है कि एनर्जी लेवल कौन सा है, शेल नंबर कौन सा है। दैट इज़ अगर हम k की बात करें तो k का n क्या होगा? 1। ठीक है, सिमिलरली l का 2, m का 3 एंड n का 4। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज़ डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, ये बात नोट करने की है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की सेम वैल्यू नहीं होती एनर्जी की, चाहे वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्यों नहीं है। एक के इलेक्ट्रॉन के शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। ठीक है, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सिंपली हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है, अगर वैल्यू ऑफ n 1 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो 0 l वैल्यू क्या डिनोट करती है? कि हमारे पास ओनली एक ही सब शेल है। ठीक है, अगर 2 आएगी तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इट मीन्स 0 and 1, हमारे पास 2 नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, दैट इज 2s and 2p। ठीक है, अगर हम थर्ड शेल की बात करें, थर्ड शेल में हमारे पास l की वैल्यू 2 आएगी, इट मीन्स 0, 1, 2, 3 सब शेल्स हो गई हमारे पास, 3s, 3p, 3d। सिमिलरली अगर हम फोर्थ शेल की बात करें तो हमारे पास l की वैल्यू 3 आएगी, 0, 1, 2, 3, टोटल 4 नंबर ऑफ सब शेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंट बाय सिंपली स्मॉल l और ml। ठीक है, तो जब हमने बात की कि एक शेल में ही फर्दर एनर्जी लेवल डिफरेंस होने के कारण एक फर्दर शेल में ही सब शेल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
एक सबशेल में होने के बावजूद वो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस एक्वायर कर लेती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम ओरिएंटेशंस के बारे में ही पता लगाएंगे। इसे हम कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू एल प्लस वन, एल यहाँ पे कैट नोट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्दर हमारे पास एक टेबल है, अगर हम एल की वैल्यू जीरो लेते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा कौन सा सबशेल होगा, एस सबशेल होगा, ठीक है। अगर हम L की वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर M की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1 आएगी, ठीक है। 1 का मतलब है कि हमारे पास ओनली S ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है, मींस ये सर्कुलर ही होता है, ठीक है। फर्दर हम अगर L की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे P सबशेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास M की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, विच शोज दैट पी ऑर्बिटल हैज थ्री टाइप्स। पी ऑर्बिटल भी अगेन ओरिएंटेशन के बेस पे थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सिमिलरली डी ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, एफ ऑर्बिटल हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं। फर्दर हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की, फोर्थ जो हमारे पास है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या शो करता है कि मान लो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की सभी वैल्यूज सेम हो जाती हैं, उसकी एनर्जी, उसकी शेप, उसकी ओरिएंटेशन, लेकिन एक जगह पे वो फिर भी एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करेंगे, वो है उनकी स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो जब हम एक ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक की स्पिन जो है क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की स्पिन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। सो स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज देता है, ठीक है। सो आज हमने क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा कि उसकी एनर्जी शेल कौन सी है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें स्पेक्ट्रल, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा ऑर्बिटल की। एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा कि ऑर्बिटल स्पिन क्या है उसकी, ठीक है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज टुडेज़ टॉपिक, थैंक यू।